दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार अपनी पूरी सच्चाई बता तो देता है मोहन, लेकिन दोस्तों मोहन इस समय दामिनी से भी खरी खोटी सुनता हुआ नजर आने वाला है। दामिनी बोलती हुई नजर आने वाली है कि मुझे लग रहा है कि अब आखिर राधा को हटाना ही पड़ेगा रास्ते से। जी हाँ, इधर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मोहन और दामिनी के एक दूसरे के साथ में अब 36 का आंकड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीका से आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड जो बनी है अब राधा और मोहन के बीच में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिल रही है, और वही चीज़ इस समय पसंद नहीं है दामिनी को। दामिनी का कहने का मतलब ये है कि दामिनी चाहती है कि जिस तरीका से मैंने तुलसी को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर का पत्ता काट दिया है, मुझे लगता है कि ऐसे ही मुझे इस राधा का पत्ता काटना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि राधा को मारने के लिए भी इतनी बड़ी साजिश कोई कर सकता है, वो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नई प्रयास लेकर आती हुई नजर आने वाली है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार राधा इस समय परेशान भी है कि आखिरकार वो दामिनी को कैसे एक्सपोज करे, क्योंकि दामिनी के खिलाफ सबूत मिल जाए तो सीधा सीधा दामिनी को जेल में भी डलवा देंगी। लेकिन सीधा सीधा सबूत ही नहीं मिल रहा है इस समय, और सबूत ना मिलने के कारण इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दामिनी जो चाहती हैं वो करती हैं, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरीका का कोई बॉन्ड नहीं है, कोई जोर नहीं है, और सभी लोग वाकई में इस समय सबसे ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा कि दामिनी की मां चलेगी बहुत बड़ी प्लानिंग अभी मोहन के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस कैसे लगी।